फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आज की बात करेंगे NSP स्कॉलरशिप में जिन बच्चों का अभी भी NSP स्कॉलरशिप में मिसमैच दिखा रहा है, जैसे नेम नॉट मैच दिखा रहा है, या मान लो ये IFC कोड इधर नॉट प्रेजेंट ऐसे कुछ दिखा रहा है अकाउंट नॉट वैलिडेटेड में, ठीक है। उसके बाद फिर इस प्रकार प्रॉब्लम दिखा रहा है अकाउंट नॉट वैलिडेटेड PF में, रिजेक्शन रीजन UID नेवर इनेबल फॉर DBT। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम दिखा रहा है PF में पेमेंट फाइल रिजेक्ट दिखा रहा है, तो इससे काफी घबरा गए हैं पेमेंट फाइल रिजेक्ट क्या हो गया, क्या हमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने NSP में कांटेक्ट भी किया था। और एक और बात बताऊंगा, जो बच्चे डिसेबिलिटी स्कीम के हैं उन बच्चों का PFMS पहले रिकॉर्ड शो होता था अंडर प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, अंडर प्रोसेसिंग पेंडिंग फॉर सेक्शन, तो अब उनका जो है PFMS कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये काफी बच्चों का प्रॉब्लम है, जैसे बच्चा डिसेबिलिटी स्कीम का है टेलीग्राम में कंप्लेंट किया था, और ये प्रॉब्लम काफी सारे स्टूडेंट के साथ देखने को मिल रही है, ठीक है। जिसके बारे में बात करेंगे तो वीडियो कंप्लीट देखें जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके भाई इसके आगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, बैंक वैलिड आपका हो चुका, कब आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा, चलिए जानते हैं। तो देखो यार, पहले प्रॉब्लम ये बताता हूँ जिन बच्चों का नेम मिसमैच आ रहा है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें लिखा तो ये है अकाउंट वैलिडेटेड एंड नेम नॉट मैच एज NSP गाइडलाइंस, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज उस दिन ही बता दिया था, अगर आपका नेम NSP में और बैंक में दोनों में सेम है तो आपको घबराने की और टेंशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि लास्ट एक साल से मैं यूट्यूब पे आया हूँ, ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर भी थी, और दो साल एटलीस्ट मैंने ई मित्र में काम किया, स्कॉलरशिप का फॉर्म मैं खुद भरता था और काफी लोगों की स्कॉलरशिप मिली भी है और मेरे को भी मिली है, ठीक है। तो मैं इसको बल्कि जानता हूँ अकाउंट वैलिडेटेड नेम नॉट मैच NSP गाइडलाइंस। अगर आपका सब कुछ सही है, नेम NSP में जो नाम दिया, बैंक में जो नाम है वो पूरा सही है आपका, ठीक है, अगर आपका बैंक में KYC वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, तब आपको घबराने कोई आवश्यकता नहीं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। साथ में NSP की जब टीम से मेरी बात हुई थी, जब मैं आपको बताते इस नंबर पे NSP की टीम से जब बात हुई थी, तो उन्होंने भी बोला था अगर आपका नेम NSP में सब कुछ सही है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, और आपका KYC अगर कंप्लीट है, सब कुछ अगर रेडी है, तो आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस बात को समझने के बाद आप श्योर हो जाइए कि अगर आपके कोई प्रॉब्लम है तो सही कराइए, अगर नहीं है कोई प्रॉब्लम तो टेंशन मत लीजिए। एक काम कर लीजिए, क्या करना है आपको, देखो टेलीग्राम पे जुड़िए, टेलीग्राम लिंक आपको आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा। जैसे ही टेलीग्राम सेक्शन में आओगे, ऊपर यहाँ पे जो प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे फाइल सेक्शन के ऑप्शन में जाओगे, तो यहाँ पे नीचे लिखा होगा ग्रीवियंस रेसिडेंट ऑफिसर PDO। अगर आपका सब कुछ सही है तो आपकी जिस मिनिस्ट्री के अंडर ये चाहे, जैसे सपोज डेट आपका हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री है, टॉप क्लास है, आपका AICT जिसमें भी आपका है, उस स्कीम की मिनिस्ट्री को जाके स्क्रीनशॉट के साथ और बैंक अकाउंट की जो आपका DBT वगैरह लिंक रहता है और नेम वगैरह के साथ, उनके स्क्रीनशॉट के साथ उनको मेल कर दीजिए, सर मेरा सब कुछ सही है प्लीज कर दीजिए, बस इतना सा कर दो और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अंडरस्टैंड, आपको इतना सा करना है, बाकी टेंशन मत लीजिए, बाकी सारे कमेंट्स मेरे इसके रिगार्डिंग है, तो मेरे को लगा इसके रिगार्डिंग वीडियो बनानी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम यह है कि बच्चों का अकाउंट वैलिडिटी स्टेटस में आप देख सकते, कई बच्चे बोलेंगे मैं पिछले साल का दिखा रहा हूं, तो आप यहां पे जरा इस चीज को देख लीजिए, न्यू ईयर का है और अभी जो उनका हाल ही में स्टेटस बदला था, तो इन बच्चों का इस प्रॉब्लम आया था अकाउंट नॉट वैलिडेट एट PFMS रिजेक्शन इज, इनका अकाउंट वैलिडेट नहीं हुआ है, ठीक है। क्यों नहीं हुआ है, IFC कोड आइदर नॉट प्रेजेंट, ठीक है, मतलब इनका IFC कोड या तो कुछ गलत हो गया या तो इनका IFC कोड चेंज हो गया है, ठीक है। तो आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं है, जब NSP की टीम से मेरी जब बात हुई थी इस बारे में भी, तो इन्होंने यही कहा था IFC कोड अगर आपका चेंज हुआ है या बैंक का मर्ज हुआ है किसी बैंक के साथ, तो IFC कोड चेंज करने का जो ऑप्शन है वो कहाँ मिलेगा आपको, जैसे आप किसी NSP स्कॉलरशिप में लॉगिन करेंगे, सपोज डेट मैं आपको एक लॉगिन कर दिखाता हूँ, जैसे आप रिन्यूअल एप्लीकेशन में जाएंगे, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक ID लेता हूँ अपने हिसाब से जो मैं कुछ चाहता हूँ, ठीक है, ID मैंने ले लिया है और मैं यहाँ पे आपको दिखा जस्ट एग्जाम्पल के मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इस ID को लेके दिखा देता हूँ आपको एक बार, जिससे आप थोड़ा सा कहाँ पे ये ऑप्शन आएगा जब इसको पूरा कंप्लीट देख लीजिए, ठीक है, जिससे आपको यकीन हो सके भाई ये ऑप्शन मुझे कहाँ मिलेगा। एक मिनट मैं इसको भर लेता हूँ कंप्लीट, ठीक है, मैंने इसको लॉगिन कर लिया यहाँ पे, तो ये मेरा लॉगिन यहाँ पे हो गया और यहाँ देख सकते बच्चे के ID खुल चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इस जगह आपको मिलेगा अपडेट बैंक अकाउंट नंबर, अगर आपका अकाउंट नंबर चेंज हुआ है, अकाउंट नंबर गलत हुआ है, तो आपको अपडेट अकाउंट नंबर का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका मान चलो IFC कोड चेंज हुआ है, तो अपडेट IFC कोड यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शन कब आएगा, कुछ दिन बाद आएगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ तो ये ऑप्शन कल ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन कुछ दिन बाद आपको देखने को मिल जाएगा, ये NSP टीम से बात हुई है
और लास्ट ईयर भी जो ये प्रॉब्लम हुआ था तो उनका भी ऐसा ही देखने को मिला था। तो आपको लेटेस्ट चेक करते रहना है, ठीक है। अगर आपका अकाउंट नंबर गलत हुआ या एक्सी कोड गलत हुआ तो आपको यहाँ पे आके चेक करना कि आपका ऐसा शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो कुछ बच्चों का प्रॉब्लम यहाँ पे ये दिखा रहा है, अकाउंट नॉट वैलिडेट एट पीएफएमएस रिजेक्शन। इसमें अकाउंट वैलिडेट नहीं हुआ है, पीएफएमएस रिजेक्शन इज रिटर्न बाय द पीएफएमएस यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी। जैसा मैं हमेशा कहता था, कई बच्चों को कड़वा भी लगता था बात जब मैं बोलता था कि डीबीटी लिंक करवा लीजिए, डीबीटी लिंक करवा लीजिए। तो जिन बच्चों ने डीबीटी लिंक नहीं करवाया है या मान के चलो जिनका इनेबल नहीं है, मतलब है कि अगर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं रहेगा, शो नहीं कर रहा होगा डीबीटी सेक्शन में, तब आपकी प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी, ठीक है। अब आपको इसको चेक कैसे करना है उसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखा है, फालतू इस वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप सबका, ठीक है। वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, वो कैसे आप चेक कर पाओगे उस चीज को, ठीक है। लेकिन आपको मैं साफ साफ तरीका मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी है, अगर आप इसको सही करते हो उसके बाद आप मिनिस्ट्री में जाइए। मिनिस्ट्री कहाँ पे जाएंगे, जिसमें मैंने आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया था अभी, ठीक है, ग्रीवियंस रेसिडेंस में आपका जिस भी स्कीम उनको मेल कीजिए स्क्रीनशॉट के साथ, जल्दी से प्रॉब्लम जो है आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे जिनका ये चीज आ रहा है, जैसे यहाँ पे पेमेंट फाइल रिजेक्टेड एट पीएफएमएस रिजेक्शन इज रिटर्न बाय द पीएफएमएस एनएसओ कर रहा है, ठीक है। अब मैंने इसका प्रॉब्लम ये हमेशा ही बताया था, ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। जो बच्चे लास्ट ईयर ईशा उदय स्कॉलरशिप में फॉर्म भरे थे वो लोग भली भांति इसको जानते हैं, शायद जानना भी चाहिए उनको, क्योंकि उनका ये प्रॉब्लम कम से कम एक से डेढ़ सवा एक महीने तक ये प्रॉब्लम शो कर रहा था। और ये प्रॉब्लम ऐसी थी, पहले उनका टोकन नंबर आया, फिर टोकन नंबर एक्सपायर हो गया, उसके बाद पेमेंट फाइल रिजेक्ट हो गया, फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम शो करने लगी, ठीक है। तो ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये मिनिस्ट्री की गड़बड़ है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही पेमेंट फाइल डिजिटली साइन किया जाएगा तो आपका रिकॉर्ड जो है पीएफएम से भागेगा, और पीएफएम से जैसे काम स्टार्ट करेगा उसके बाद आपको पता है आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस बच्चे का टोकन नंबर मिल चुका है, स्कॉलरशिप अमाउंट मिल चुका है 1,43,900 रुपये का अमाउंट, शायद बड़ी स्कीम का बच्चा है तो अच्छा खासा पैसा इसको मिल चुका है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज की प्रॉब्लम इतनी ही थी, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, बैंक अकाउंट वैलिडेट आपका हो चुका है, तो बहुत जल्द आपको पैसा यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ दिन में काम आपका स्टार्ट हो जाएगा जल्दी से। जिस हिसाब से एनएसपी के बात हुए 31 मई तक चांस है कि आपका पैसा इससे पहले पहले दे दिया जाए, जैसे मैंने आपको कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह आरटीए रिप्लाई वगैरह बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। जैसे कोई अपडेट आता है एनएसपी की तरफ से हम शेयर करने वाले हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।